दर्शकों, हर्षा गुंडला बेल्जो टीवी की तरफ से आपके सामने नई स्टोरी लेकर हाजिर है। वो मेरे खिड़की के बाहर ही खड़ा था। मैंने उसे पीछे से ही पहचान लिया। मैंने उसको आवाज दी, पुकारा, लेकिन उसने अपना चेहरा बिल्कुल घुमा दिया। वही जो सदियों से हमारे आसपास रहता है, नजदीक या बनाता है, लेकिन सीधा अपने पास कभी नहीं लौटता। आप सोचोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? शायद प्रेम के बारे में, या फिर आपकी ड्रीम कार के बारे में, या फिर आपके सपनों का महल 3000 स्क्वायर फीट का, उसके बारे में, और या तो फिर लड़कियों का चहेता चिराग फिल्म का हिट हीरो राजकुमार के बारे में। हाँ, अरे भाई, आपकी सारी बातें सही है। फिर आप सोचोगे कि हम बात कर रहे हैं एक चीज की, तो सारी बातें कैसे सही हो सकती है? ये भी बात आपकी सही है। चलो मैं आपकी पहचान कराती हूँ ऐसे शख्स से, शमा और सूर्यमान। शमा और सूर्यमान दोनों इस शहर में अपना नाम कमाने के लिए आए थे, पैसे भी कमाना चाहते थे, और कुदरत खुदा मेहरबान हो गया उनके ऊपर। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बड़ी कार ली और बहुत बड़ा महल बनाया, और कुदरत ने उनकी ब्यूटी भी बरकरार रखी। हमेशा उम्र लायक होने के बावजूद भी जवान दिखते थे। आप कहोगे कि ये सारी बातों बोल बोल कर क्या हमें गोल गोल घुमा रही हो? चलो भाई, हमारा टाइम हो गया, हम निकलते हैं। जरूर जाइए, लेकिन सिर्फ इतना तो जान लीजिए जाने से पहले कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसे आप अपने नजदीक लाना चाहते हो, और जो आपके करीब आते हुए भी इधर उधर छुप जाता है, इधर उधर चला जाता है। कौन? अरे लो, देखो, वो आ गया। आओ आओ, बैठो बैठो। कौन? कौन क्या? सुख। सुख यही तो हमारे करीब आता है और फिर कहीं और चला जाता है, कभी नेबर के पास या कभी दूर दूर। अभी अंदर तो आ गया, हमने उनसे कहा बैठो बैठो, लेकिन ऐसे तो नहीं पूछ सकते कि आप कैसे हो, क्या हो। उन्होंने ही हमें पूछ लिया, भाई मेरी जरूरत है आपको, कैसे हो, क्या करते हो? मैं आऊं अंदर बैठ जाऊं, मेरी जरूरत है।